प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में हुए कथित घोटाले मामले में कांग्रेस लगातार मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग कर रही है। नाहन में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता व प्रदेश महासचिव हर्षवर्धन सिंह चौहान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग में हुए घोटाले मामले की उच्च न्यायालय के सिटिंग जज से जाँच करवाई जानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग करती है कि वो नैतिकता के आधार पर अपने पद से त्याग पत्र दें। जैसा आप सभी को विदित है कि हेल्थ डिपार्टमेंट में बहुत सारे घोटाले जो हैं वो प्रकाश में आए हैं। सेक्रेटरिएट में सैनिटाइज़र खरीदा गया है ऊंचे दाम पे, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए ऑडियो के माध्यम से पकड़ा गया और उनको बर्खास्त किया और विजिलेंस की इंक्वायरी को जो है ऑर्डर किया गया है। वेंटिलेटर जो कि 3 लाख रुपए के वेंटिलेटर 10 लाख रुपए में खरीदे गए हैं, ये आपके सामने है। पीपी किट्स आईजीएमसी में घटिया किस्म के ऊंचे दाम पे जब सप्लायर ने सप्लाई किए और प्रिंसिपल आईजीएमसी ने उसको लेने से मना कर दिया तो उनको उनके पद से हटा दिया गया है। ये बहुत सारी बातें हैं जो पिछले कुछ अरसे में हिमाचल प्रदेश में सामने आई है। और क्योंकि स्वास्थ्य विभाग जो है वो मुख्यमंत्री के पास है तो नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना चाहिए। हमारे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल जी ने भी इस घोटाले में जब इनका नाम आया, चाहे डायरेक्ट रूप में आया चाहे इनडायरेक्ट रूप में आया, इनको भी अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा है और इनकी भी उसमें इन्वॉल्वमेंट जो है वो पाई गई है। अगर इनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती तो ये त्यागपत्र नहीं देते। मगर बिंदल जी तो सरकार में थे, डायरेक्ट रूप से ये नहीं थे, मगर डायरेक्ट रूप से तो मुख्यमंत्री थे। हम राज्यपाल से भी मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया जाए और हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जो हेल्थ डिपार्टमेंट में जो घोटाले हुए हैं उसकी इंक्वायरी की जाए। मैं ये आरोप सरकार पे भी लगाता हूँ कि सरकार बुनियादी सुविधाएँ जनता को प्रदान करने में विफल हुई है। आज हमारे बहुत सारे लोग हैं, मजदूर भाई हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं, टूरिज्म से जुड़े हुए जो लोग हैं वो आज भाजपा का कार्यकर्ता है, भाजपा का नेता है और किस नेता के सबसे नज़दीक वो है ये सबको पता है। जो कंपनी, जिस कंपनी को बगैर ऑर्डर के और बहुत ऊंचे दाम पे सोलन की कंपनी को हेल्थ डिपार्टमेंट ने ऑर्डर्स दिए हैं वो भी सबको पता है। इंक्वायरी हो रही है और हम चाहेंगे सरकार से कि एक पारदर्शिता से जो है वो इंक्वायरी होनी चाहिए और सारी चीज़ें जो है वो सामने आनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, सरकार ने कर्फ्यू एक्सटेंड कर दिया है, 30 जून तक कर्फ्यू एक्सटेंड कर दिया है। कर्फ्यू एक्सटेंड करने का मतलब ये होता है कि इस दौरान जो भी इमरजेंसी की चीज़ें या जो भी चीज़ें खरीदी जाती हैं सरकार को उसका ऑडिट नहीं होता है। और ऑडिट से बचने के लिए और जो इस दौरान जो घोटाले हुए हैं, जो महंगी दामों पर सस्ती चीज़ें ली गई हैं वो सारे को छुपाने का एक प्रयास किया गया है। हम मांग करेंगे कि अभी तो हेल्थ का घोटाला सामने आया है, आने वाले समय में आप देखना राशन की सप्लाई का घोटाला सामने आएगा, इस दौरान जो दवाइयां हैं उनका सामने आएगा, महंगे दामों पे जो गाड़ियां हैं हज़ारों की तादाद में जो है कई विभागों द्वारा जो है वो प्राइवेट गाड़ियां हायर की गई हैं विदाउट एनी टेंडर, विदाउट एनी रेट कॉन्ट्रैक्ट की गई। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आने वाले समय में जो है वो अनियमितताएँ, घोटाले, भ्रष्टाचार की चीज़ें जो सामने आएगी और हम आने वाले समय में भी समय समय पर इस सरकार का पर्दाफाश करेंगे। सिटी चैनल के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।